सारी बीमारियां का एक इलाज, सारी बीमारियां एक है। कौन सी बीमारी का इलाज है? तू तो बैद वाला डॉक्टर वाला काम कर, शुगर मोटापा बीपी सारे काम करने लग रहे हैं। बिल्कुल भाई, आज 150 का लगभग चाकियां सेल कर दीजिए। अच्छा 150 चाकियां, स्पेशल चाकियां काम? बिल्कुल जी। हां तो चल है। अच्छा बिल्कुल जमाई थी जी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी से तक रहा है शरीर की सारी हड्डी तो टूटी थी। हां शरीर का पसीना निकल गया, बीमारी आधी ज्यादा खत्म हो जाए जी। फिर तो ये मोटे मोटे पेट लिगड़ रहे हैं, पेट लिगड़ने बंद हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे जी। बिल्कुल ठंडा भाई आटा तो, गर्म तो कोनी? जमा ठंडा है जी। वैसे एक फिजिकल देखे नहीं, अरे गर्म जो चाक्की है उसका बहुत ज्यादा गर्म हाथ भी कौन दिया, इतना गर्म हो है वो? चक्कर का कारण हो, पार्ट का कारण हो, के कारण हो? चक्कर भी ज्यादा हुए जी उसके, 650-700 RPM हो है इसके जी, 65 RPM जो डिमांड पे, नहीं तो 60 RPM पे तैयार करा जी। अच्छा कौन सी चीज का या आटा पीस देगी? जो मर्जी पीसो जी, एक हल्दी मिर्च नहीं पीस सकती जी, बाकी कुछ भी पीस लियो आप, सारी चीजें पीसेगी? अरे यू इतना मोटा पार्ट दे, एक साल में यू मतलब राना पड़ेगा, यू चून बनाना बंद कर देगा, कई साल तक चलेगा? जो डेली 10 घंटे चलावांगे तो 6 महीने में राना पड़ेगा जी। डेली 10 घंटे चलावांगे तो 6 महीने में राना पड़ेगा? तो एक नॉर्मल घर में 5-7 सदस्य हुए है, उसने तो मिर्जन में 5-6 साल तक रहने की जरूरत को नहीं, 5-6 साल तक रहने की जिसे का एक साल में यू पार्ट है यो कुंजावा लाइफ टाइम वैलिडिटी है जी। लाइफ टाइम की? आपने जो 100-100 साल पुरानी चाक्की दी जी, उनके पत्थर आज भी धरे हैं। ले भाई दादा ले पोता बरता है वो चाक्की बढ़ा दी बनू का लाइफ टाइम। नमस्कार, आपका स्वागत अपने चैनल पर। फिलहाल मैं एक ऐसी चीज दिखाऊंगा, आपने एक ऐसा वैद्य दिखाऊंगा, ऐसा डॉक्टर दिखाऊंगा जो हड्डी से लेके चोटी तक शरीर की सारी बीमारियां ठीक करे है, बिना गोली दवाई बिना टीका है। क्या संभव है? आपने मजाक सा लगता, मजाक नहीं है रियल में। अगर मोटापा है, शुगर है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप रेस करने नहीं जाते, मॉर्निंग में शाम में किसी टाइम भी नहीं करने जाते, कोई जरूरत को नहीं करने की, गारंटी ले वह नुक है अकबर बिल्कुल फिट रहोगे, कदे भी बीमार नहीं होगे। और एक तीर से दो निशाने है, एक तीर से दो निशाना मतलब ना आपने बाहर प्रैक्टिस करनी रोड पर, घर में ही प्रैक्टिस करा होगा, और जो आप खा रहे हो नहीं उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया है, वह चीज़ ऐसी बना दी है आज तो जो 30-40 साल पहले बनाया कर दी हमारी दादी, उस तरह की चीज़ आपने मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो खा रहे हो उस तक हटके स्वादिष्ट भोजन, जो आटा पीसण की चाक्की, वैदिक चाक्की जो आते 40 साल पहले चल रही, उस तरह की चाक्की दिखाऊंगा आते, और बिजली तक स्लो मोशन चक्कर में बिल्कुल ठंडा अटकी 2-in-1 कई तरह की चाक्की दिखाऊंगा, और लाइफ टाइम खराब नहीं होगी चाक्की, गारंटी है। दावा ठोकने लग रहा मिस्त्री। हाँ भाई मिस्त्री, राम राम कर दे हमारे दर्शक पहले, सबसे पहले राम राम भाई सबने, और भाई सुशील सी आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। एक बार नाम, नंबर, पता, लोकेशन शुरू में बता दे दर्शक। नाम है जी मेरा सोनू कुमार, गाँव है जी बाडो पट्टी। ऊपर एड्रेस लिख रहा है आपका, यो है श्री बालाजी एग्रीकल्चर वर्क्स? हाँ जी यो ही है, बाडो पट्टी सोनू मिस्त्री। हाँ जी बड़ो पट्टी। हाँ जी। जिला हिसार। हाँ जी। स्टेट हरियाणा। बिल्कुल जी। और काम में पड़ रहा पूरा चाला वो आपके सामने ही है जी, केलो को है यूके बना रखे बता या हथाड़ी चाकी है जी, सारी बीमारियां का एक इलाज, सारी बीमारियां एक है। कौन सी बीमारी का इलाज है? तू तो बैद वाला डॉक्टर वाला काम करे, शुगर मोटापा बीपी सारे काम करने लग रहे है। बिल्कुल भाई साहब, ये देखो पहले अपने बुजुर्ग जो खाया करते ना वो बिल्कुल स्वस्थ रहा करते, आज कोई बीमारी नहीं है उनके। मेरे दादा जी है खुद आज 75 साल प्लस है और कोई बीमारी नहीं है। अच्छा तो आप एक ये चाइनीज सामान खाने लग के खुद बीमारी लेके आ रहे हैं, तो कौन सी गोली दवाई दो जो बीमार नहीं हो? या जी ये बस एक चक्की चलाए जाओ, इसका आटा खाए जाओ, लगभग 99% बीमारी किस तरह चल लगी है तो बता दे। चक्की तो सारे के घर में, इसमें क्या खास बात है जी? या तू चल है जी भाई साहब? हाँ तो चल है। अच्छा जमाई थी जी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी से तक रहा शरीर की सारी हड्डी तो टूटी थी। हाँ शरीर का पसीना निकल गया, बीमारी आधी ज्यादा खत्म हो जाए जी। फिर तो ये मोटे मोटे पेट लिगड़ रहे हैं, पेट लिगड़ नहीं बंद हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे जी। सुबह जिम में जावा जी। हाँ जिम में पीछे देवा। हाँ शरीर घटावा, अपने घर पीछे भी बचेंगे, जिम में जाने का टाइम भी बचेगा, एक बढ़िया खावांगे, आटा पीस के खाओ जी। बिल्कुल बिल्कुल। जिम भाई आज तो जो 20-30-40 साल पहले को जिम रीप जिम पीछे लाओ, या जिम घर में आकर दी, हर एक घर में आकर दी, हर एक घर में या जिम आकर दी भाई, या जिम ले आओ। क्या कुछ रेट है भाई इसका? इसका 9,000 रुपये प्राइस है जी। 9,000 रुपये अच्छा आते चल लगी कि बिजली तो चल। इसका ऑप्शन बनवाना चाहो तो बाद में मोटर भी लाग सके जी। अच्छा बिल्कुल ठंडा आटा काट है? बिल्कुल बिल्कुल ठंडा काट है जी जमा। अच्छा घंटे में कितना पीस दे हाथ गले? घंटे में बंदे की कैपेसिटी पर डिपेंड करे जी, 4 किलो 6 किलो तक पीस सके एक घंटे में। हाँ जी बिल्कुल। ये तो फिर
जिसका पेट है वो पीस सके, बिना पेट वाला पी सके है? बिना पेट वाला भी चला सके, कोई चलाओ। ये तो एक न्यू सोच लो जी, वरदान है अपना। अच्छा, आप भूल गए इसने, प्रकृति का वरदान है और इसने गए भूल, और आज पछताना पड़ रहे है भाई। या तो एक डीपली गहरी सोच के हिसाब से सोनू मिस्त्री ने इस चाकी का, वैदिक चाकी का आविष्कार किया है। आज तो मैं बात करूं, 15-20 साल हो गए, 25 साल हो गए, हमारी माता बहन जो लेडीज एम्बुलेंस में बैठे फोन मारा है और हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ है, आज तो 20-30 साल पहले घर डिलीवरी हुआ कर दी भाई। वह चीज पुरानी परंपरा के हिसाब से चला हुआ है। दादी और एज की लगा लो, आज से 50-30 साल पहला कोई हॉस्पिटल नहीं थे, कोई लेडीज क्या डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं होया कर दी। सारी वो कारण यो था, चाकी चला कर दी, चाकी चलाया कर दी, पैदल चलना, खेत में जाना, आज बहुत सारा काम खत्म हो गया, तो हॉस्पिटल में बैठ ही खाली को नहीं। बिल्कुल आई आजादी कर की बर्बादी, वो तो सही है बिल्कुल। फिर ये मतलब आजादी तो दूर रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी, तो शरीर सही रहेगा। हाँ बिल्कुल, शरीर की मेहनत कराए सही रहोगा। अच्छा, इस चाकी का और जो मुसाला वाली चाकी के पार्ट हुए है, जो हरे घर में आज के दिन घुस गई बीमारी, उस मरीज में क्या फर्क आटम नु बता। यो है जी प्राकृतिक पत्थर पहाड़ आला, जो अच्छा। प्रकृति ने वरदान दिया, और वो है एक केमिकल मसाला, कोई भी चीज हो भाई साहब, कुछ जोड़न खातर केमिकल यूज करना पड़े। अच्छा, तो जो पत्थर तोड़ के जोड़ांगे तो केमिकल है। यू केमिकल आला कोनी, फिर यो केमिकल आला कोनी, वो प्रकृति का पहाड़ आला पत्थर है। पहाड़ आला पत्थर है, और पहाड़ आले बड़े बड़े पत्थरों की भी चाकी बना रखी इतने, एक और बड़े बड़े पहाड़ आले, ये देखो जी पत्थर दिखाइए भाई, पहाड़ आले बड़े बड़े पत्थर ले रखे है, देखिए कितने ये पहिए ले रखे, क्या ट्रक के बस के क्या कहीं है, कूलर उड़ ना कर दे, क्या के पहिए हैं ये सारे चाकी के पत्थर हैं जी, चाकी के पत्थर हैं ये। हाँ जी, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, क्या क्या किलो के हैं ये? यो 4 क्विंटल का पत्थर है जी, एक यो देखो 4 क्विंटल का। हाँ, यो 4 क्विंटल का पत्थर है जी। चाकी बनाओ कि मैं और सौदा बनाओ है? ये बैल से चलन खातर स्पेशल ऑर्डर आ रहे हैं भाई साहब। बैल तो चलेगी चाकी? बैल तो चलानी है यार, बैल तो आज के दिन बहुत कम रह गए देखने न को पांदे भाई साहब। इसी खातर भाई अपनी प्रकृति ने ना भूले, इस खातर एक छोटा सा आपने यो प्रयास करे है। कोई लेनी है भी आओ, कोई ड्रा बिल्कुल रहे? दो ड्रा रहे हैं जी। अच्छा, एक तो अपने नजदीक, मेरे नजदीक ही गाँव है जी, सुलखनी आ, एक सेठ जी लगान लग रहे हैं और एक झज्जर जाएगी जी। चलो एक रुपया चाकी दिखाओ, इसे पाटा ही जो बना रखी, मोटे मोटे पाटा की, वह नुका कमाल कर है आपने बना रखी जो चाकी। बिल्कुल जी यार, देखो यह है वह चाकी, यही है। इसके तो कांच का गिलास शीशा लगा रखा है, शीशा गिलास, एक बार यह तैयार करने लग रहे थे। हाँ यह तैयार हो रही है जी, लगभग वैसी टेस्टिंग पर चला रखी। अच्छा, टेस्टिंग पर चला रखी, आटा उटा पीस रखे, कुकर बिल्कुल बारीक है, ये देख लो जी। ये तो मैदा पीस रखे, चून पीस रखे आपने, ये देख लो जो भी है जी, मैदा जैसा बारीक बना रखे है ये तो। वो अपना हाथ में जी, मोटा पतला करना। अच्छा, जैसा करेंगे ऐसा ही हो जाएगा जी। अच्छा, यो जो मतलब यू गिलास लगाने का रीजन के है? या जी एक मॉल में लगनी है गुड़गांव में, हरियाणा का शहर है गुड़गांव, वहाँ मॉल में लगनी है, तो थोड़ा सा शो पीस के लिए लगाई है जी वो शीशा। इसमें तो इसकी बांह बनकी गर्म होगी, चून नहीं चपजेगा इसके? बांह ही तो कौन बने जी, यही तो बात है, बांह को नहीं बने बिल्कुल करे। जमा कोल्ड प्रेस ठंडा आटा जिसने क्या कराना है, आपन तो कौन देखा ले, अपने बुजुर्ग ना जो खाया है देखा है, वो कोल्ड प्रेस आटा ही यार है। कमाल करे, दिमाग ठीक है, गर्म है कि चपे चपेगा यार है? भाई साहब गर्म ही को नहीं हो है, थर्मामीटर मंगवा लियो डॉक्टर का। अच्छा, यदि गर्म हो जाए तो आटा ठंडा रहोगा? बिल्कुल बिल्कुल ठंडा, कितने घंटे चलाओ, 5-6 घंटे रेगुलर चलाओ, बिल्कुल ठंडा रहोगा भाई। कैमरा मैन ने कोई अगर चुगर तो दिखा दिया, चाकी नुके ठंडा आटा रहोगा, कोल्ड रहोगा बिल्कुल। और भाई मिस्त्री एक बार दूइए थोड़ा, नुका है भाई बिल्कुल ठंडा आटा रहेगा, मोटा पाट ला रखे इसके अंदर, यो के ला रखे भाई, यो गैर बॉक्स है जी, चाकी में गैर बॉक्स कम करने, यो चक्कर कम करने खातर जी, चक्कर कम करने खातर। हाँ, मोटर लोड ना ले, या घंटे का 15-16 किलो आटा पीस है जी। अच्छा, यू के है या मोटर है? या मोटर है जी। ये दो दो चीज लाने की क्या जरूरत है? ये आरपीएम कम कर दिए जी, क्या ताकि आटा ठंडा रहे, मोटर पे दबाव ना पड़े, लाइट खर्च भी कम हो। अच्छा, हाँ जी, तो चला के दिखाए सके? नहीं मैं बिल्कुल चला के दिखा दिया, दिखाइए अगर सच्ची को झूठ बोलो भाई, पूरी लाइव पड़ताल कर रहा आपने, दिखावांगे इसके स्लो चक्कर किस तरह है ठंडा आटा। चल पड़ी भाई, चल पड़ी चाकी, चल पड़ी, दिखाइए अगर आगे आगे भाई, पहले चक्कर दिखा दे कितने तेज चल है, एक मिनट में क्या चक्कर इसके? 65 चक्कर है जी, एक मिनट में चाकी के पार्ट के 65 चक्कर है। 40 RPM तक लेके जो RPM सेट करवाना चाहो वो ही कर दिया जी, इनकी डिमांड थी 65 की 65 कर दिए। अच्छा, ईवीआर चालन लग रही है,
यू आटा लग रही है अपना ने यू गर्म है ठंडा है बिल्कुल ठंडा है जी। वो निकलन लग रहा है आटा, वो आटा निकलन लग रहा है। दिखाइए भाई, दिखाओ एक। इसका प्रोसेस मतलब तैयार करने लग रहा है भाई। बिल्कुल ठंडा है भाई आटा, तो गर्म तो कोनी, जमा ठंडा है जी। वैसे एक फिजिकल देखे नहीं, अरे गर्म जो चाक्की है उसका बहुत ज्यादा गर्म हाथ भी कौन दिया था, इतना गर्म हो है। वो चक्कर का कारण हो, पार्ट का कारण हो, चक्कर भी ज्यादा हुए जी उसके, 650-700 RPM हो है इसके जी, 65 RPM जो डिमांड पे, नहीं तो 60 RPM पे तैयार करा जी। अच्छा, कौन सी चीज का या आटा पीस देगी? जो मर्जी पीसो जी, एक हल्दी मिर्च नहीं पीस सकती जी, बाकी कुछ भी पीस लियो आप, सारी चीजें पीसेगी। अरे यू इतना मोटा पार्ट देगा, कई साल में यू मतलब राना पड़ेगा, यू चून बनाना बंद कर देगा, कई साल तक चलेगा? जो डेली 10 घंटे चलावांगे तो 6 महीने में राना पड़ेगा जी। डेली 10 घंटे चलावांगे तो 6 महीने में राना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल घर में 5-7 सदस्य हो है, उसने तो ब्रिजन में 5-6 साल तक रहने की जरूरत को नहीं, 5-6 साल तक रहने की, इसे का एक साल में यू पार्ट है यो कुंजावा लाइफ टाइम वैलिडिटी है जी। लाइफ टाइम की? आपने जो 100 साल पुरानी चाक्की थी जी, उनके पत्थर आज भी धरे हैं। ले भाई दादा ले पोता बरता है, वो चाक्की बढ़ा दी बनू का लाइफ टाइम, दादा ले पोता बरता वही चीज होगी। ये पुराने पत्थर, ये ले भाई पुराने पत्थर दिखाओ है, जो हमारी जो दादी पिछा कर दी नहीं, जो तुम्हें पत्थर गए हैं वे हैं। ये देखो जी कितना साल सा? पुराने हैं। यू तो मतलब जमा आजकल चाकिया तो इस तरह पतला हो, इसमें यू भी मोटा है बिल्कुल। मेरे दादा खड़े जी 70-75 साल का, पूछ लो आप। अच्छा तो जी राम राम है। राम राम। पिछड़ है इन आटा इन पट्टा चूना पिछड़ है हमारा खूब। कै साल की उम्र होगी? उम्र होगी 75 साल की मेरी। 75 साल की लग दी तो कोनी, 75 साल की नू लागो जो 45-46 साल की हो। फिर इस चाकी का कमाल था गया, चाकी चलने लगी इसका, आड़ ना जो इस चाकी का कमाल था थाली का। आ चाकी आ थाली दिया एक ही जाए, यानी कि मतलब इस तक जो नाज पिसा जावे है, जिस चीज का भी चून बना है जो समाज का, उसमें ताकत होवे, कहने का मतलब यो ताकत होवे खूब। पथरी पथरी भी होगी? नहीं पथरी नहीं होगी। कोनी होगी? नहीं पथरी कोनी होगी। ओ ये कोनी, ओ ये कोनी, क्या कोनी होगी? इन पत्थरा ही बजाऊ कोनी, इन पत्थरा ही बजाते कोनी। हां आजकल हर एक आदमी का पत्थर, आजकल मसाला के पत्थर ही करेगा। सलाम, चलो धन्यवाद। सोनू मिस्त्री, हां जी, ताऊ ने एक और राज बताया है। हां नु का पथरिया को नहीं हो याद लगा, एक आदमी का पथरिया टेस्ट कराओ तो दे पथरी का दर्द है भाई साहब। पहला आज तक कोई 20 साल पहला पथरी का केस सुने आपने कोई ना? फिर ये आज केमिकल खान लाग रहे हैं, पथरी हो रही है किसी का पित्त की थैली में, किसी का किन हो रही है, किसी ने खाटी डका रहा है भाई साहब। खाना पीना खत्म हो लिया अपना, जो प्रकृति थी वो खत्म हो ली बिल्कुल। तो ये इस पार्ट से पीसा हुआ जो ये आटा या चाकी चलने लग रही है, इस तरह तो पथरी हुआ है। और फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी जो पोषक तत्व तो जो अनाज में होंगे सारे बरकरार रहेंगे, एज इट इज रहे जी बरकरार। कहीं से सैंपल चेक करा लो बिल्कुल 100% बिल्कुल जी। एक अपने डॉक्टर साहब है चंडीगढ़, उनने कल ही रिपोर्ट डाली आटे की मेरे पास है, आपको दिखाता हूँ जी। अच्छा क्या रिपोर्ट है भाई, रिपोर्ट में क्या है? वो जो भी अपने आटे में होते हैं जी। अच्छा वो गुण इसके अंदर एज इट इज बने रहते हैं जी आटे के अंदर, यानी कि स्लो मोशन में अगर जो चून पीसते इस तरह तो नुक्का के नु बरकरार रहे सारे पोषक तत्व। हाँ जी, ये एक लिस्ट है जी जिसमें आटा टेस्ट हो चुके हैं। ये भाई आपने वीडियो के अंदर लग गया भी दिखने लग रहा है, और वैसे कैमरा भी दिखने लग रहा है। ये डॉक्टर साहब की रिपोर्ट, कौन से डॉक्टर की रिपोर्ट है? ये चंडीगढ़ लैब की रिपोर्ट है जी। चंडीगढ़ लैब की रिपोर्ट है, क्या है इसके अंदर? भाई आटे के अंदर जो गुण होते हैं ना वे एज इट इज है, और आटे में एक ऑयल होता है गेहूं में जी। हाँ वो भूंगने के बाद गेहूं एक राख रह जाती है, खाने के लायक नहीं रहती। अच्छा, और वो इस आटे के अंदर वो तेल 100% रहता है जी। अच्छा, इस चाकी में पीसा दो अभी? ये अपना नॉर्मल टेम्परेचर है ना जी, उसी पे आटा पीसती है। अच्छा, और जो अरे गर्म है वो उस ऑयल ने फूंक दे है? वो फूंक दे है जी, वो तो आटा खाने के लायक नहीं है, वैसे एक जिंदगी जीने के लिए वो रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी के प्राइस रहेगा सोनू, दर्शका ने नू बता दे इसका के कुछ रेट रहेगा? ये अपने पास है जी 16-6 के साइज से, घर के लिए 16-6 29,000 रुपये प्राइस है जी एट प्रेजेंट। उसका कोई चेंज करवाना चाहे कुछ उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा जी, नहीं तो 29,000 रुपये कंप्लीट का है इसका। या बन रही है जो करे 29,000 रुपये रेट इसका? इसका जी 75,000 रुपये, इसका साइज बड़ा है। और 29 कौन सी का बताया? 16-6 का साइज है जी। यो कौन सा साइज है? यो 22 इंची साइज है जी। यो 22 इंची साइज, चलो वो भी दिखाएंगे। इसके 75,000 रुपये रेट है। सब्सिडी, सब्सिडी कितनी है? सब्सिडी तो आप 10% मार्जिन लेने लाग रहे हैं जी, वो जो भी सरकार को देंगे क्योंकि
सरकार देवा तो आपा तो बहुत खुश हां जी, यूट्यूब पर देख के आना। ना भैया तो गलत करे यार, मनोबल तोड़ने वाली बात करे। मारे दर्शक मारी वीडियो देख के स्क्रीनशॉट लेके आओगे, शेयर करके आओगे, उन खातिर कितने ऑफर देना पड़ेगा? जरूर ऑफर देवांगे जी। ना खुश करने पड़ेगा, नु बता दे कितना हम खुश करें। बिल्कुल खुश कर देंगे जी, पक्की बात है। सामान जरूर करांगे, जितना होगा अपने से उतना करांगे जी। बिल्कुल, यो आईडिया कहां से लेके आया है? यो एक दिन पुराने पत्थर पागे जी, बस मन में आ गई चक्की बनानी, बना ली, एक डेढ़ साल में बिक गई। अच्छा, फिर वही डॉक्टर साहब थे कोई, वो ले गए, उनने खाया, एक चक्की का और ऑर्डर आ गया। फिर उसकी एक बाइक वीडियो बना गया जींद का पत्रकार। उसके बाद में फिर 5-6 ऑर्डर आ गए जी, फिर हौसला बढ़ गया धीरे धीरे। आज 150 का लगभग चाकियां सेल कर दी जी। अच्छा, 150 चाकियां? स्पेशल चाकी चाकियां का? बिल्कुल जी। अच्छा चलो, एक बार फैक्ट्री के अंदर दिखाओ भाई, वो चाकी दूसरी भी दिखाओ, आप कौन सी के बनाने लग रहे हो, एक बार दर्शक बता दे। एक बार फिर दिखा दे, श्री बालाजी एग्रीकल्चर वर्क्स मिस्त्री सोनू, और ये है बड्डो पट्टी सार और कैथल रोड है, जो चंडीगढ़ रोड है वहां पर ये मैन्युफैक्चर फैक्ट्री है इनकी, इस गांव के रोड के ऊपर ये फैक्ट्री। एक बार फैक्ट्री के अंदर विजिट करावांगे, आपने दिखा दे बच्चा रोड, नुन्ने भी पत्थरा का ढेर लाए, ट्रक उतरोड़ा है, बारे ने भी ट्रक तैर रखे पत्थरा का, इतने पत्थर ले रखे चाकियां के, जबरदस्त खूब ऑर्डर आने लग रहे है चाकियां के भाई। और वैदिक चाकी हाथ से चलन वाली और मोटर से चलन वाली चाकी, यानी कि 2-in-1 चाकी, 2-in-1 गंडासा भी बना हुआ, गंडासा चारा काटने वाला गंडासा, मतलब भी और ना समझियो गंडासे कई दहल के वो है, तेज धार वाला गंडासा भी वो है, सानी काटने वाला गंडासा भी वो है, और भी कई चीजा गंडासा कहते हैं, गंडासा हो चारा काटने का वो भी 2-in-1, और 3-in-1 भी बना हुआ है, यानी कि चाकी गंडासा अरे एक और क्या है भाई है? मोटर तीनू एक पे सेट भाई, इसके ऊपर आ जाएगा गंडासा, वो आएगी चाकी और मोटर कड़ाही टिकेगी, नीचे आ जाएगी मोटर, ये कंप्लीट सेट बनाने लगे इस तरह का। या के बना रखी हुई, ये भी चाकी बना रखी, वैदिक चाकी है जी, ये वैदिक चाकी है, या क्या इंची है? या 18 इंची है जी। इसका क्या रेट है? 31,000 रूपए। अच्छा, इसका 31,000 रूपए है। हाँ जी। इसकी भी लाइफ लूफ कैक साल की है? लाइफ ही लाइफ है जी, जान वाला ही को नहीं, घर के लिए छोटा साइज तैयार कर रखे है, लाइफ टाइम है जी। दादा ले पोता बरता बाजी। अच्छा, दादा ले पोता बरता, यू गेयर बक्सा या मोटर सारा होता गल्ले जाओगा तारा का? सारा सारा गल्ले जी। अच्छा, पक्का बिल का गल्ला? बिल्कुल पक्का, फुल गारंटी? फुल गारंटी। क्या क्या की टूटन फूटन की? कोई कौन जा जी, एक गेयर बॉक्स के अंदर ऑयल संभाल तेरी, टाइम पर कुछ भी नहीं जाओगा। अच्छा, और के बना रखे भाई आपने? यू के बना रखे है? ये डबल का सेट बनेगा जी। डबल के मतलब? इसमें दो ला गई चाकी, वैदिक चाकी 18x9 का साइज की, 18x9 का भाई, दो चाकियां आगे कम एक पे, ये 3 HP की सिंगल फेस, एक मोटर पर दो चाकी ड्राइव हो जाए। मैंने तो नू लागे तू कड़िया कमर्शियल, मतलब कोई राह भाड़ा जो पीसने वाला, उन खातर तो नहीं बनाता? हाँ, उन्हें खातर है, अगर मैं तो दो चाकियां काम में को नहीं, ये कमर्शियल वाले जो काम करना चाहो जी छोटा लेवल पर जिस तरह, उनके लिए जी। बिल्कुल, फैक्ट्री कितनी बड़ी फैक्ट्री, और दिखा दे करके, ये देख लो भाई कारोबार फैक्ट्री, ये देख लो मशीना काटन बाढ़ का, और लेबर लाबर सारा काम करने लग रही। चाकी तो अंदर भी ठोक रहा कितने? अब बना के स्टॉक कर रखा जी। अच्छा, बना के स्टॉक कर रखा है? हाँ जी। तो ऑर्डर पे ऑर्डर आंदे रहे? बिल्कुल, 20-22 ऑर्डर पेंडिंग है जी आज। अच्छा, तो एक बार फिर दर्शक का नाम नंबर पता लोकेशन सारी चीज एक बार फिर बता दे सोनू भाई। नाम है जी मेरा सोनू, गांव है जी बाडो पट्टी, हिसार बरवाड़ा, हिसार चंडीगढ़, मैन हाईवे पे ही अपनी शॉप है जी। मैन हाईवे पे शॉप है जी, 24/7 खुली रहे, किसी टाइम आओ जी, कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे खुली रहे, बिल्कुल किसी टाइम आओ। बिल्कुल, चलो भाई जी, ला के शेयर कर दो इस वीडियो ने, अगर आपका परिवार बचाना है, आपने अपना खुद का बचाव करना है, आपने अगर वह चाकी मुसाला पाटा की गर्त दूर करनी है, तो हाथ वाली और 2-in-1 यानी कि मोटर से चलने वाली, जिसमें गुंजाइश है, जिसने बीमारी ठीक करनी है, एक्सरसाइज करन नहीं जानते, उनकी एक्सरसाइज भी होगी, आप पथरी तो बचोगे, आप मोटापा तो बचोगे, आप बीमारी तो बचोगे, आप शुगर तो बचोगे, हर एक चीज तो बचोगे, क्योंकि शरीर का एड्डी तो चोटी थी, सारे अंगा की फिजिकल एक्टिविटी चाकी कराओगी। और यह चाकी भाई 75,000 रुपये की है, इसके अंदर बहुत मोटा पार्ट ला रखा, लाइफ टाइम की, दादा ले पोता बरते, एक बार पैसे लगाओगे तो मेरे हिसाब में 2-3 पीढ़ियां थी तो हिलनी को नहीं। और आटा ऐसा है जो ठंडा, जिसके अंदर ऑयल है वो ऑयल भी बरकरार, जिसके अंदर प्रोटीन वो प्रोटीन भी बरकरार, जितने भी पोषक तत्व तो है बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जो आज 30-40 साल पहले हमारे चाकी आग दी उसे तरिया इस आटे के अंदर बरकरार है, किसी तरह का आटा पीस लो, और ऑल इन वन कह लो, मतलब 2-in-1 कह लो उस चाकी ने, या तो मतलब बिजली से ही चले, क्योंकि भारी 3 क्विंटल के आसपास, 2-2.5 क्विंटल के आसपास ये शायद पार्ट का वेट भी होगा,
और सवा दो क्विंटल वजन है। जिस भी भाई ने पूरे देश से विदेश से संपर्क करना है तो डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर चलन लग रहा है सोनू मिस्त्री का, बाडो पट्टी वाला का, इसके ऊपर संपर्क कर लियो। चाकी के गदागद ऑर्डर आने लग रहे। लास्ट में सोनू भाई कुछ और मैसेज देना चाहता हो दर्शकों ने, और कुछ बताना चाहता हो तो जमा टू दी पॉइंट। मैं तो यही कहना चाहूँ जी, यदि अपने लाइफ जीनी है इस जिंदगी में आए हैं कुछ देखना है तो बढ़िया तरिया बढ़िया खाओ बढ़िया जी हो जी बस। बिल्कुल, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद सोनू मिस्त्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रकृति का नहीं देखा, आपने सेहत का नहीं देखा, आपने स्वस्थ बनाने की ठानी, इन लोगों की बीमारी दूर करने की ठानी और डॉक्टर पीछे बचाने की ठानी, उसके लिए आपको मैं स्पेशल तो धन्यवाद बोलूँ, क्योंकि आपका माइंड ने काम कराया और उन पुरानी चीजें लेके आने लग रही। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे कोल्ड प्रेस कोल्लू भी लेके आने लग रहे हैं जी, जो झरणी हो है पहला जो हाथ से आप चलाया करते वो दोबारा झरनी भी लेके आने लग रहा, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों साइड चलने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, चलो भाई वो भविष्य में होगा, वो भी दिखाने का काम करेंगे। भविष्य क्या जी, इस हफ्ते के अंदर दोनों चीज ले आए, लॉन्च करने लग रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, चलो वो भी दिखाने का काम करें। एक बार लोकेशन दिखा दे, यो चंडीगढ़ ने गया भाई, नेशनल हाईवे क्या नंबर है भाई? 52 नंबर नेशनल हाईवे भाई, वो हिसार से आने लग रहा है। यो चंडीगढ़ जाओ बरवाला होते हुए, यो चंडीगढ़ का जो रोड था, एक बार फिर लोकेशन दिखा दे। श्री बालाजी एग्रीकल्चर वर्क्स के ऊपर आइए, वैदिक चाकी खरीदिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। और एक जो युवा साथी न्यू कवा जी, काम कोनी वो कुछ काम करके देखो, काम क्यों कोनी भाई साहब, आज कोई बंदा ही कोनी काम वाला, खुद माने मिस्त्री कोनी पान लाग रहे, न्यू का काम कोनी। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई घर से बाहर निकलो, कोई काम करो, काम बहुत है करनी है ना, एक मिनट का टाइम कोनी भाई, काम कर दौड़ी आवे पसीना। काम कर दौड़ी पड़ा तान है, और आजकल ऐश की जिंदगी जीना चाहो सारे। सरकार ने दोष देवा बोले, सरकार रोजगार को दे भाई, रोजगार अपने कने करो यार। बिल्कुल सही बात है भाई, आड़े सोनू मिस्त्री के द्वारा भी रोजगार कर सके आदमी जरूर। भाई साहब जो युवा साथी अपने कने जुड़ना चाहो आओ, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल, चलो जो डिस्प्ले पर नंबर चाले सारे तरह के रोजगार भी दे देगा, चाक्की भी है, गंडासा भी है, मोटर भी है, सारी चीज इसके ऊपर। आपने अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर छोड़ना है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन संजीव के साथ मैं सुशील सियाग, हिसार बाडो पट्टी, धन्यवाद।